नमस्कार, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद ही खास स्पेशल प्रोग्राम में, क्योंकि सावन का महीना है और सावन तो खास होता ही है, स्पेशल होता ही है। आनंद टीवी में आप सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के प्रीत विहार के शिव जी के गुफा वाला मंदिर में। जी हाँ, ये मंदिर बहुत ही खास और सावन का पावन अवसर चल रहा है और ऐसे में R9 की टीम पहुँची है शिव मंदिर में। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आज सावन का दिन है और ऐसे में शिव भक्त की लंबी लंबी कतारें लगी है। शिवलिंग को देखिए कि शिवलिंग कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। सावन में भगवान शिव की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। सावन के पहले सोमवार से ही कई लोग व्रत की शुरुआत करते हैं। भोलेनाथ की पूजा और आराधना करने से वैवाहिक जीवन में सुख और शांति आती है। ये महीना शिव की आराधना के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। आप देखिए कि कितनी भीड़ है, लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ मंदिर में आए हैं शिव जी के दर्शन के लिए। और आज वैसे भी पहला सोमवार है, तो पहला सोमवार अपने आप में बेहद ही खास माना जाता है। सावन में शिवलिंग की पूजा को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है और सारे भक्तगण यहां मंदिर में इसलिए भी आ रहे हैं कि बस वो एक नजर भर दर्शन कर ले शिवजी की, शिवजी के ऊपर जल चढ़ा ले, बेलपत्र चढ़ा ले, क्योंकि कहा जाता है कि शिवलिंग पर घी चढ़ाना बहुत ही पुण्य माना गया है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही पुण्य माना गया है। भगवान शिव का ध्यान इस पावन अवसर पर किया जाता है, संतान की प्राप्ति की लोग आराधना करते हैं और कई प्रकार की तमाम जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, उस आस्था और विश्वास के साथ लोग इस शिव मंदिर तक आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और सबसे खास बात आप ये देखिए कि इस मंदिर को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। सावन का पावन अवसर है, ऐसे में मंदिर को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। तो ये सावन का त्यौहार है, ये त्यौहार इसलिए है क्योंकि ये पूरे एक महीने का त्यौहार होता है। एक महीने तक सावन जो है वो चलता है और जो सावन की समाप्ति है वो 15 अगस्त को होने वाली है। और वैसे भी ये सावन इसलिए भी खास है क्योंकि इस सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ रहे हैं और शिव जी का खास और पावन दिन जो है वो सोमवार ही है। और ऐसे में सोमवार 4 हो रहे हैं जिससे भी भक्तगण बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा आस्था के साथ मंदिर तक आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और पहला सोमवार है, भीड़ तो है, पर ये भीड़ पूरे सावन के महीने में आपको नजर आएगी। ये पहला दिन है सोमवार का, इसलिए भीड़ है, पर जिस दिन से यानी कि 17 जुलाई से सावन की शुरुआत हुई थी उस दिन से लगातार मंदिरों में भीड़ देखी जा रही थी। और मंदिर हो या घर हो, हर जगह शिव जी की गूंज नजर आ रही है, शिव भक्तों की आस्था नजर आ रही है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लग रही है। और सबसे खास बात यह है कि सावन के महीने में कांवड़ियों का भी जो मेला है वो सड़कों पे देखने को मिलता है, हुजूम देखने को मिलता है, लोग बहुत ही उत्साह के साथ, आस्था के साथ कांवड़ लेके जाते हैं। और कई मंदिरें ऐसी हैं जो शिव भक्त भक्तों के लिए बहुत प्रिय है, पर यदि आप जिस भी स्थान पे रहते हैं, अपने आसपास के मंदिर में जाते हैं, तो शिव की जो भी आराधना करते हैं वो कहते हैं कि भगवान शिव जो है वो कभी भी किसी को निराश नहीं करते, कभी भी कोई भी शिव भक्त खाली हाथ नहीं आता। तो ये सावन का त्यौहार है और सावन की पहले सोमवार की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले 3 सोमवार में भी भक्तों का तांडा मंदिरों में लगता ही रहेगा। तो आज की जो हम आपको रिपोर्ट बता रहे थे वो दिल्ली के प्रीत विहार के गुफा वाला मंदिर की दिखा रहे थे कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे लगातार भीड़ देखी जा रही है। तो आपको भी सावन के सोमवार की बधाई, सावन महीने की बधाई, और उम्मीद यही करते हैं कि शिव भक्त आपकी मुरादें पूरी करें। जो भी आप सच्चे मन से आस्था के साथ शिव जी से मांगते हैं वो ज़रूर शिव जी आपकी आस्था और विश्वास के साथ की गई मुरादें पूरी करें। कैमरा पर्सन अर्शद खान के साथ मैं पूजा, R9 TV।